हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस सरकार ब्लॉग। मैं गीता आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ दिल से। और आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ आप सब ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों देखिए, रात में इतना ज़्यादा बारिश हुई थी और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पानी जमा हो गई थी और फिलहाल बारिश थोड़ी थोड़ी रुकी है, इसीलिए मतलब पानी भी थोड़ी सूखी है और थोड़ी रह गई है। अब इसे झाड़ू मार के मैं फेंक दूँगी। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, इतना ज़्यादा बारिश हो रही थी फिर भी इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और गर्मी का मौसम है इसीलिए शायद बारिश से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो देखिए गर्मी क्यों ना होए, थोड़ी बारिश हुई कि नहीं, इतना ज़्यादा धूप निकल गया फिर से। और धूप निकलते ही मैं आप लोगों को दिखाने आ गई हूँ मेरे गार्डन। तो देखिए ये कितना प्यारा प्यारा फूल खिला है और ये जो पेड़ है इसमें भी फूल खिलने वाला है कुछ दिनों बाद। तो दोस्तों मैं अपना घर का सारा काम ख़त्म कर ली है, खाना पकाना, बर्तन वगैरह धुलाई करना, घर आंगन का झाड़ू लगाना, सब कुछ करके मैं आ गई हूँ अब बिस्तर उठाने। और बिस्तर उठाने के बाद मुझे करना है, नहाना है, धोना है, फिर जाना है दुकान। तो दोस्तों मैं आज ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज मैं दुकान में बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और कस्टमर भी मेरे सामने बैठे हुए थे, इसीलिए मैंने वीडियो को शूट नहीं कर पाई। और ऐसे भी क्या दिखाती रोज़ रोज़, तो इसीलिए मैंने कुछ भी दिखाया नहीं आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोगों की हालत क्या है बोलिए, इस गर्मी में मेरा हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बारिश तो होती है, बारिश होने से घर का हालत ख़राब हो जाती है। देखा आप लोगों ने, मेरे पूरा बारंदा में भी पानी आ जाती है। पता नहीं मेरा घर कैसा बना है, मेरा बारंदा में पानी आ जाती है, मेरी घर की दीवारें सब भीग जाती है और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और बारिश नहीं होती तो मेरी गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है, और बारिश होती है तो मुझे बारिश की पानी मिल जाती है जिससे मैं बाल धोना, कपड़ा धोना, नहाना। फिर ज़्यादा बारिश होती है तो बर्तन भी यहाँ बरामदा में बैठ के धो लेती हूँ ये सब। तो मतलब अगर मेरा घर मतलब मिट्टी का ना हो के पक्का होता, तो पक्का का मतलब होती, तो शायद मेरा बारिश हो जितना भी होने से भी मेरा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों घर का सारा काम करके आ गई हूँ मैं दुकान में। और दुकान में आके जो मेरा कल कुर्ती मैंने सिलाया था, उस कुर्ती का मतलब पीछे में डोरी लगाना बाकी रह गया था, तो वो डोरी में लगाने वाली हूँ। ऐसे भी उंगली में चोट आ गई है, वो कल आप लोगों को दिखाया था मैंने, उस चोट की वजह से मतलब बहुत ही दर्द हो रही थी अंगुली में। और ये देखिए मेरा कुर्ती का डिज़ाइन कैसे लगा आप लोगों को। और मैंने बनाया है मेरा कुर्ती, मेरे लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रही है और बहुत ही अच्छा फिटिंग आई है इसकी। देखिए आप लोग, पीछे भी मैंने ऐसा डिज़ाइनर दी है और लेस वगैरह भी मैंने लगा दी है, लटकन भी मैंने बना दी है। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये कुर्ती। और आगे तरफ जो मैंने ये डिज़ाइन बनाया है इसमें मैं लगाने वाली हूँ 3-4 बॉटम, जो अभी फ़िलहाल मेरे साथ अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाई, तो जब मेरे पास होगा तब मैं इसमें लगा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। सबको गुड बाय, कल फिर मिलेंगे, टाटा।